नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। भारत सहित दुनिया भर में कई देशों में कोरोना की नई लहर तबाही का कारण बनी हुई है। रोजाना दुनिया में औसतन 9 लाख के आसपास संक्रमण के नए मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि 14,000 के करीब लोगों की हर 24 घंटे में जान जा रही है। एक्सपर्ट्स कोरोना की इस नई लहर के पीछे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट को जिम्मेदार बता रहे हैं। भारत हो, ब्राजील हो या फिर अमेरिका हो, हर जगह कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और फिलहाल काबू में आते नहीं दिख रहे। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में क्या है डबल और ट्रिपल म्यूटेंट। भारत में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच सबसे ज्यादा चर्चा ट्रिपल म्यूटेंट वायरस यानी कि B.1.618 को लेकर हो रही है, जिसके डबल म्यूटेंट B.1.617 वेरिएंट के बाद पाया गया है। पश्चिम बंगाल में इस नए वेरिएंट के केस मिल रहे हैं और बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट वायरस के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। तो वहीं दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जुटाए गए सैंपलों में से 50% मामलों में डबल म्यूटेंट वेरिएंट का असर पाया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेडिकल प्लान बनाकर इस हालात से निपटने पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि डबल ट्रिपल वायरस म्यूटेंट का मतलब क्या होता है। वायरस अपनी सक्रियता के काल में लगातार अपना रूप बदलता रहता है। भारत में पहले कोरोना का डबल म्यूटेंट वायरस पाया गया था। इसका मतलब है कि ये वायरस का वो रूप है जिसमें दो बार बदलाव हुआ। हाल ही में बंगाल में मिले नए वेरिएंट को ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट कहा जा रहा है, मतलब इस वायरस के रूप में तीन बार बदलाव हुआ है। ये वायरस के तीन अलग अलग स्ट्रेन का एक कॉम्बिनेशन है, यानी वायरस के तीन रूपों ने निकलकर एक नया रूप बनाया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के चीफ डॉक्टर सुजीत सिंह का भी कहना है, दिल्ली में मार्च के आखिरी हफ्ते में जो कोरोना के सैंपल आए उनमें से 50% में कोरोना का यूके वेरिएंट था। इस वक्त दिल्ली में भी कोरोना का यूके वेरिएंट और डबल म्यूटेंट वेरिएंट एक्टिव है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी 50% से ज्यादा सैंपल डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, भारत में एक नया वेरिएंट पाया गया है जिसके मामले बंगाल में सामने आए हैं। इसी तरह पंजाब में यूके वेरिएंट के मामले ज्यादा पाए जा रहे हैं। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मामले ज्यादा हैं। पहले की अपेक्षा एक्सपर्ट्स नए वेरिएंट्स को लेकर इसलिए भी चेता रहे हैं कि नए वेरिएंट पहले के वेरिएंट्स की अपेक्षा ज्यादा संक्रामक हो सकते हैं। ये उन लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं जिनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है, बल्कि डबल म्यूटेंट के वायरस युवा आबादी और यहाँ तक कि बच्चों को भी संक्रमित कर रहे हैं। नई लहर में कोरोना के लक्षण के बाद भी लोगों के नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आने को भी एक्सपर्ट चिंताजनक बता रहे हैं। करीब 20% मामलों में संक्रमित होने के बावजूद भी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। एक्सपर्ट्स इसके लिए 24 घंटे में सिटी स्कैन कराने की सलाह दे रहे हैं ताकि फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बड़ी आबादी, अनियंत्रित भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही ने कोरोना की इस नई लहर की वापसी कराई है। इसीलिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम भी आपसे यही अपील करती है कि बार बार अपने हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर रखें और सामाजिक दूरी का पालन करें। नमस्कार।